आप लोग देखते होंगे जब कोई क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी के पास से गुजरता है तो कहने लगते हैं कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इस तरह की आपने 2012 में भी घटना सुनी हुई। तो अभी कुछ समय बाद आपने 2 नवंबर 2020 को एक क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी से गुजरेगा, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या होगा, ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि क्षुद्र ग्रह है क्या। तो याद रखिए, ये ब्रह्मांड में चलते फिरते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, और यह देखेंगे आप लोग कि ग्रहों से छोटे होते हैं, जैसे मंगल ग्रह हो गया, बृहस्पति ग्रह हो गया, इनसे छोटे होते हैं और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं आपके। ठीक है, याद रखिए इनके बारे में। और खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह आप देखेंगे सेरेस था, 1819 में खोजा गया था। चलिए वापस हम लोग अपने मेन आर्टिकल पर आते हैं। अभी जो गुजरने की बात की जा रही है क्षुद्र ग्रह 2018 बीपी बल, नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में सेंटर फॉर नियर ऑब्जेक्ट स्टडीज के अनुसार 2 नवंबर 2020 को एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम क्या है 2018 बीपी बन पृथ्वी के पास से गुजरेगा। किससे? पृथ्वी के पास से गुजरेगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, इस तरह से गुजरेगा। यह क्षुद्र ग्रह 2018 बीपी बन बहुत छोटा है, इसका व्यास लगभग 6.5 है। कितना है? 6.5 है। इसलिए आप सोचिए कि ज्यादा नुकसान हमें नहीं होने वाला है, ज्यादा कोई फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ना है, क्योंकि इसका जो व्यास है बहुत छोटा है, समझ रहे हैं? आपको बताऊंगा कि कितने व्यास होना चाहिए जो नुकसान पहुंचाने लायक होते हैं। 2018 वीपी बन नामक क्षुद्र ग्रह को 2 वर्ष पहले कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी में पालोमर वेधशाला में खोजा गया था, और आप सोचिए कि 2018 में खोजा गया था तो इसका नाम 2018 रख दिया गया। 2 वर्ष पहले जब इसकी खोज की गई तो यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से लगभग 2,80,000 मील दूर था, किंतु नासा ने अनुमान लगाया कि इस वर्ष पर यह क्षुद्र ग्रह 4,700 यानी कि 4,700 मील के करीब हो सकता है। नासा के अनुसार इस क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की मात्र कितनी संभावना है? 0.41% संभावना है। याद रख लीजिए इसे, कितनी है? 0.41%। आप कहते हैं ना कि चलिए मान लीजिए ये घटना मात्र 1% घटेगी, 1% ऐसा होगा, 99% ऐसा होगा, तो ये ना के बराबर एक तरह से संभावना है, 0.41%। यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो 2 नवंबर 2020 को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? अगर पृथ्वी के वातावरण में एक प्रवेश भी करता है तो ज्यादा कोई नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो व्यास है बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। द प्लेनेटरी सोसाइटी के अनुसार अंतरिक्ष में लगभग 1 बिलियन क्षुद्र ग्रह होने का अनुमान है जिसका व्यास 1 मीटर से अधिक है। आप समझिए कि 1 बिलियन यानी कि 10 लाख के करीब आपके क्षुद्र ग्रह हैं अंतरिक्ष में जिनका व्यास 1 मीटर से अधिक है। 30 मीटर से अधिक व्यास वाले क्षुद्र ग्रह पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कितने? 30 मीटर, जिनका या 30 मीटर या इससे अधिक जो व्यास वाले क्षुद्र ग्रह ये पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसका व्यास कितना है? 6.5 मीटर, फिट 6.5 फिट। अब बात करते हैं चिक्सू लोब इम्पैक्टर, यह एक क्षुद्र ग्रह है। माना जाता है कि 66 मिलियन वर्ष पहले इस क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर की प्रजातियां अचानक विलुप्त हो गई थी। इसका व्यास था 10 किलोमीटर से अधिक था। कितना? इसका 10 किलोमीटर से अधिक था। इसके कारण आपने सुना होगा कि डायनासोर की प्रजातियां अचानक से विलुप्त हो गई थी। क्षुद्र ग्रह 2018 वीपी बन अत्यंत छोटे आकार का है, इसका व्यास 2 मीटर का है और संभवतः पृथ्वी पर पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद घर्षण के कारण आग का एक पिंड बन जाएगा और नष्ट हो जाएगा, इसलिए हमें ज्यादा इसे टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। नासा के अनुसार ऐसी घटनाएं प्रत्येक वर्ष में लगभग एक बार होती रहती हैं। अगर आप सोचिए 30 मीटर से बड़ा होता तो हमें टेंशन लेनी चाहिए थी थोड़ी बहुत। तो कोई पृथ्वी खत्म नहीं होने वाली है, आप लोग ज्यादा दिमाग भी मत लगाइए।
शुद्ध ग्रह प्रभाव और विक्षेपण आकलन की बात करें तो इसमें सन के अंदर नासा की डबल एस्टेराइड रिडायरेक्शन टेस्ट और मिशन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का हेरा मिशन शामिल है आपका। डबल एस्टेराइड रिडायरेक्शन टेस्ट को लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से डी डायमोस प्रणाली के छोटे क्षुद्र ग्रह के टकराव का अध्ययन करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में लॉन्च किया जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के हेरा मिशन को वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यह वर्ष 2027 में डी डायमोस प्रणाली में पहुंच जाएगा। यह डायट टकराव से निर्मित घटनाओं को मापने और क्षुद्र ग्रह के कक्षीय प्रक्षेपकों में परिवर्तन का अध्ययन भी करेगा। इस मिशन का लक्ष्य डी डायमोस जो एक बाइनरी नियर अर्थ एस्टेराइड है का अध्ययन करना है। माना जाता है कि यह क्षुद्र ग्रह अपने बड़े आकार के कारण पृथ्वी के लिए सबसे अधिक संभावित खतरा उत्पन्न कर सकता है। याद रखिए, वैसे अब आप सोचिए, आप लोग उस तकनीक की दुनिया में पहुंच चुके हैं, ये सब की आप सोचिए एक तरह से भरपाई हो जाती है। अब आप सोचिए इसकी बात की जा रही है जो कि सबसे ज्यादा इसका आकार है कौन सा है, डी डायमोस। तो इसे मतलब आप सोचिए कि जो भी ये मिशन जा रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे, उसका एक तरह से सब कुछ जानेंगे, उसे नष्ट करने की भी कोई योजना बना लेंगे आराम से, ठीक है। तो इस तरह की संभावना आते रहते हैं, सालों में होते रहते हैं। तो आप लोग पढ़िए, अगर हो सकता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण रहे, आपकी जिंदगी के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा, ठीक है।